नमस्कार मित्रों, मैं पवन आनंद गर्ग फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपना नया वीडियो लेके। इसमें हम तनाव की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि तनाव से हमें कैसे दूर रहना चाहिए और हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ इस बारे में क्या हमको मार्गदर्शन देते हैं। हमारे सनातन धर्म में दो मुख्य ग्रंथ हैं, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता। रामायण में तो कई जगह बोला गया है कि आप शोक चिंता आदि से दूर रहें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि योगक्षेम वहाम्यम, यानी आपके सुख दुख का सबका भार मैं उठाऊंगा यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो। तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ईश्वर पर भरोसा करने का मतलब है कि आप ईश्वर की पूजा करें ना करें, लेकिन ईश्वर के बताए रास्ते पर जरूर चलें, जिसमें सबसे मुख्य बात है कि आप किसी को दुख ना दें। सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख भी ना दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ईश्वर के बताए रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर आपके सुख दुख का पूरा भार स्वयं उठा लेंगे। और ऐसा कई बार आपने अनुभव भी किया होगा कि आपने किसी का भला करा तो बदले में आपका भला हो गया। ऐसा अनेकों बार आपने अनुभव करा होगा, और आपने किसी का बुरा करा तो आपका बुरा हो गया, ऐसा भी आपने अनुभव करा होगा। फिर भगवान ने उसके बाद कहा है कि आप एक अच्छा सात्विक जीवन जिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबसे मिलके चलें। तो क्या ये चीज़ें आपको स्वस्थ रखने में सहायक हैं? आप महसूस करेंगे कि जब आप अपने मन में सात्विक भावना रखेंगे तो आपको किसी किस्म का तनाव नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रकृति तो वही है। आपकी प्रकृति में दुष्टता नहीं है, ये तो समय के साथ कलयुग के प्रभाव के साथ आज इंसानों में आ गई है, और उसके नुकसान भी हैं। आप जब मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब आप पूर्णतः सात्विक होते हैं तो आपके अलग तरह के हॉर्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो आपको फ़ायदा देते हैं। जब आप गुस्से में, क्रोध में, या जलन में, या ईर्ष्या में होते हैं तो अलग तरह के केमिकल्स और हॉर्मोन्स निकलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो मित्रों, दोनों रास्ते आपके सामने हैं कि किस रास्ते पर आप चलना पसंद करेंगे। एक अच्छा रास्ता जिससे अच्छे केमिकल आपके शरीर में आए जो आपको स्वस्थ रखें, या एक ऐसा रास्ता जिससे खराब केमिकल आपके शरीर में बने और वो आपको नुकसान करें, ये पसंद आपकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा रास्ता ही चुनेंगे, मानवता की भलाई का रास्ता चुनेंगे। आप देखेंगे कि इसके तुरंत में तो हो सकता आपको लगे कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है, चालाकी और दुष्टता भरे रास्ते से मुझे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको जब उसके फायदे नज़र आएंगे तो फिर आप उसी अच्छे रास्ते पर ही चलना पसंद करेंगे। तो मित्रों देखिए, आपको स्वस्थ रहना है तो आप डॉक्टरों से भी जब सलाह लेंगे तो वो आपको यही मशवरा देंगे कि अच्छी सोच से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रह सकती है। एक अच्छी सोच आपको हमेशा स्वस्थ रख सकती है, ये आपसे डॉक्टर्स भी बोलेंगे। आपको विश्वास ना हो तो आप किसी डॉक्टर से सलाह करके भी देख सकते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और आगे मैं समय समय पे आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ दूँगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिर आपके पास वेल्थ भी अच्छा रहेगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपको समय समय पे बहुत अच्छी जानकारियाँ दूंगा। आशा है आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे, और इसको शेयर ज़रूर करें मित्रों, और मेरा हौसला बढ़ाएं जिससे मैं आपको समय समय पर बहुत अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ। तो मित्रों, धन्यवाद, शुक्रिया।